आज मेवात इलाके की एक बदलती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बदलती तस्वीर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस तरीके की तस्वीर अगर इस तरीके से बच्चे आगे हरकतें करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब मेवात के युवा नशे की दलदल में फंस जाएंगे। दरअसल हम अपनी गाड़ी में सवार होकर के अपने मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में तंबाकू की एक पुड़िया यानी कि जयंती जो गुटखा होता है उसकी पुड़िया उसके हाथ में नजर आती है। हमने गाड़ी रोकी और उस बच्चे से बात करी और उसको हिदायत दी कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो मेवात के युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं। चाहे दारू की बात हो, शराब की बात हो, जुआ सट्टे की बात हो या फिर कॉरेक्स की बात हो, इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 13, 14, 15 साल की है वो भी गुटखा खाते हुए नजर आते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले इस वीडियो में जो बातचीत की गई है उसको। बुलाने से लड़के को इधर, लड़के को यहाँ एक मिनट, इधर यहाँ तो एक बार आओ, इधर दिखाओ मुट्ठी, दिखाओ मुट्ठी, दिखाओ मुट्ठी, दिखा ला दिखा दे ना वो मुट्ठी, दिखाओ वो क्या है, छालिया। छालिया क्यों खा रहा है, छालिया है क्यों खा रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, स्कूल नहीं जाता, जाता है कौन सी क्लास में, दूसरी में, अच्छा क्यों खाता है ये, जल्दी बताओ क्यों खाता है, किसका है, किसका है, आपका है, फिर आप बिठा रखा है यहाँ पे, बिठा रखा है आपने इसे, चाचा का लड़का है, इसको डांटते नहीं तुम, छोटा सा बच्चा है ये, बहुत डांट रहा है भाई, मान नहीं आ रहा है, नहीं मानता, क्या बोलता है, मेरी बहुत नहीं कर रहा, मत कर, मत करना है भाई, हैं मान नहीं ना है, अच्छा कौन से गांव का है, कौन से गांव का है, पिनगवा, कोई किधर है पिनगवा में, हंस रहा है ना, हंस रहा है खा करके, ये अच्छी चीज़ है खानी चाहिए, हैं खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए बता, नहीं खानी चाहिए फिर क्यों खा रहा है, छोड़ो जनाब। आपने इस वीडियो को देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि तरबूजों के एक दुकान पर बैठकर के जयंती खाने में मशगूल था। हमने उसे अपने पास बुलाया, हमने उसे पूछा, पहले तो बच्चा अपने हाथ में छुपाई हुई जयंती को लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब हम लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये जयंती नहीं बल्कि सुपारी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस बच्चे की उम्र खेलने कूदने की है, जिस बच्चे की उम्र पढ़ने लिखने की है, उसके हाथ में जयंती गुटखा सुपारी, ये आगे आने वाले समय में क्या करेंगे। ऐसे में सभी अभिभावकों, सभी माता पिता को एक संदेश यही है कि आप अपने बच्चों को देखभाल करें और ऐसी जो चीज़ है जो नशे की दलदल में आपके बच्चों को धकेल सकती हैं उनसे दूरी बना के रखें। हमेशा अपने बच्चों के ऊपर नज़र बना के रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ का सेवन कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यही चीज़ इसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं और यही गुटखा जयंती इसकी ज़िंदगी में कई सारी बुरी चीज़ों को जन्म दे सकती हैं। खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।